दिखने में छोटा पैकेट है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है। तो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, मैं हूं सेकोत और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बासाना बर्ड सेवरी में एक नया वीडियो में मैं करता हूं बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मतलब मुझे कुछ दिन से बहुत ही फ़ोन आ रहे थे कि नया पपी लेने के बाद, मतलब नया डॉग पपी लेने के बाद मुझे क्या क्या सप्लीमेंट, क्या क्या उसका फूड वगैरह क्या कैसे क्या देना है, क्या क्या खरीदना है मार्केट से, तो इसी के बारे में बहुत सारा कॉल्स आ रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं आप सभी के लिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो इसीलिए मैं उसी के ऊपर आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि डॉग पपी अगर आप घर में लेकर आए, कोई भी पपी लेकर आए, तो उसको उसके ऊपर लाने के बाद आपको क्या क्या चीज़, मतलब उसके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा, उसके ग्रोथ को भी जल्दी से जल्दी बढ़ाएगा और उसका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, क्या क्या सप्लीमेंट क्या यूज़ होगा या करना चाहिए, ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज दूंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहे। अगर ये सारी चीज़ आपको नहीं मिलता तो आप मेरे शॉप से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे शॉप से आपके पास ये कुरियर के थ्रू चला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को और ज़्यादा लेंदी ना करके वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसे कि देखा कि यहाँ पे बहुत सारा चीज़ रखा हुआ है जो सारे आपको डॉग पपी के लिए ज़रूरत होगा, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो ये है सेरेलेक। आप अगर कोई भी पपी लेके आएंगे तो उसको पहले सेरेलेक से स्टार्ट करने के बाद वो डॉग फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो डॉग फूड में ही है तो सेरेलेक देने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो सेरेलेक खाता है तो फिर मतलब थोड़ा एज थोड़ा अगर कम है, अगर डेज थोड़ा कम होता है तो मतलब 30 डेज के नीचे अगर पपी आप लाते हैं अपने घर पर, ऐसे तो लाना नहीं चाहिए, 40 डेज के बाद ही पपी लाने से ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी कोई कोई ब्रीडर जिनके घर में बच्चे होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा दिन तक बच्चे को सेरेलेक में ही रखते हैं, जब तक न्यू ओनर के पास नहीं जाते तब तक वो लोग सेरेलेक पे रखते हैं। तो इस टाइम पे आपको क्या करना, ला के एकदम से उसको डॉग फूड में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको पहले सेरेलेक से स्टार्ट करना है, फिर धीरे 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 डॉग फूड में कन्वर्ट करना है। अगर वो डॉग फूड खाता है तो डॉग फूड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसके बाद हम आगे, यह लीवर टॉनिक, ये हिमालय कंपनी का लीवर टॉनिक जो कि एसेंशियल है आपको देने के लिए, मतलब ये बहुत ही जरूरी होता है देने के लिए, मतलब ये लीवर को स्ट्रांग रखता है। और लीवर टॉनिक तो सबको ही देना चाहिए, आप 2 टाइम दे सकते हैं दिन भर में, 2 ml करके दोनों टाइम दे सकते हैं। ये पपी का वजन के हिसाब से मतलब इसको डिवाइड किया जाता है, कितना वजन है, कितना केजी वजन है, उस हिसाब से लीवर टॉनिक आपके पपी को प्रोवाइड होगा, 2 ml से 3 ml प्रोवाइड होगा। और इसके बाद आ गया यहाँ पे ग्रिप्टोल एन, जो कि इंटस कंपनी का है ग्रिप्टोल एन, ठीक है। और ये ग्रिप्टोल एन इसको मतलब ये देखिए एंटी डायरियल ओरल सॉल्यूशन है, ठीक है। मतलब अगर आपको पपी का जो लूज मोशन हो गया, पेट खराब हो जाता है, तो ये ग्रिप्टोल एन बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे जिप बीट, ठीक है, ये कि एक मल्टी विटामिन है जिप बीट। डॉग फूड के साथ अगर इसको अटैच करेंगे तो आपका जो पपी का ग्रोथ है वो और तेज़ी से बढ़ेगा और उसका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ में कोई सारा मतलब हेल्थ डाउन नहीं होगा, हेल्थ भी बहुत अच्छे से इंप्रूव होते रहेगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसके बाद हम लोग आगे हिमालय का एरिना एपी पाउडर जो कि टिक्स के लिए है, ठीक है। और ये बहुत मतलब फुल्ली आयुर्वेदिक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, इससे पपी का कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये आप नहाने के बाद या फिर कहीं बाहर लेके जा रहे हैं पपी को घूमने के लिए, उसके लेके जाने के पहले आप अगर उसके शरीर में अच्छा से ये पाउडर है उसको लगा दीजिए, उसके बाद आप वॉक पे लेके जाइए, फिर वॉक से लेके आने के बाद भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, या फिर कभी उसको नहलाने के बाद भी ये पाउडर आपको यूज़ करेंगे, तब का पपी के ऊपर टिक्स उतना नहीं आएगा। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे वकाजोल जो कि एक लोशन है, ठीक है। तो ये आप यूज़ करेंगे, मतलब आपका पपी को अगर कहीं पे रैसेस हो गया, घाव हो गया, ठीक है, कहीं पे अगर चोट लग गया तो उस जगह पे ये वकाजोल जो है लोशन बहुत ही अच्छा काम करता है, वो घाव को सुखा देता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आपको वकाजोल भी रखना है अपने पास। और यहाँ पे आ गए, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे स्टार कोट, ठीक है, जो कि आप मतलब समझ गए, नाम देख के समझ गए होंगे कि एक कोट के लिए होगा। तो इस स्टार कोट जो है आपके पपी को अगर प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि न्यूट्रीकोट, इसके अलावा भी न्यूट्रीकोट एडवांस भी आता है, ठीक है, फिर आप स्टार कोट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छा काम करता है, दोनों ही जो है पपी का फार क्वालिटी को बहुत ज़्यादा बेटर करता है, फार क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो इसीलिए आपको पपी का कोट का ध्यान रखने के लिए स्टार कोट या फिर न्यूट्रीकोट आप प्रोवाइड करेंगे।
ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे वीरवेक कंपनी का, जो है न्यूट्रिच। न्यूट्रिच जो है टैबलेट्स फॉर्म में आता है न्यूट्रिच, ठीक है। तो ये पपी को आप दिन भर में एक टैबलेट देंगे तो कैल्शियम, मल्टीविटामिन, इसमें सारा चीज़ इंक्लूड है और जो कि पपी का ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और उसका टीथ भी स्ट्रांग रहेगा इसके वजह से। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हिमपायरिन, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका पपी का फीवर या बुखार कुछ भी हो गया तो आप हिमपायरिन जो है यूज़ कर सकते हैं हिमालय का। ये भी आयुर्वेदिक है, बहुत ही अच्छा काम करता है हिमपायरिन हिमालय का। तो इसे भी आपको रखना है, अगर आपका घर में पपी लेके आ रहे हैं तो इसे भी आपको ज़रूर से ज़रूर रखना है अपने घर में। और इसके बाद आ जाता है सबसे मेन चीज़, ये है ज़ाइमोपेड। दिखने में छोटा पैकेट है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा काम का चीज़ है। ये अगर आप पपी को अपना मतलब खाना खिलाने के बाद ये ज़ाइमोपेड देना ही है आपको। ज़ाइमोपेड जो है खाना को डाइजेस्ट करता है, इजी से डाइजेस्ट करा देता है पपी को, ताकि पपी को कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, लूज़ मोशन, वोमिटिंग वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। देखिए जो भी प्रॉब्लम आता है वो इनडाइजेशन की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, जैसे पेट खराब होना, डायरिया होना, ठीक है, कोई भी बीमारी होना, ज़्यादा से ज़्यादा पेट से ही वो बीमारी बिलोंग करता है। तो अगर डाइजेशन उसका सही रहेगा, खाना उसका अच्छा रहेगा, डाइजेशन उसका सही रहेगा, तो आपको पपी जो है सबसे स्वस्थ रहेगा और दूसरा चीज़ का कोई मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका पपी कम से कम बीमार पड़ेगा। तो इसीलिए आपको उसका डाइजेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसीलिए आपको उसका पपी को अपना अच्छा डाइट प्रोवाइड करना है और उसका साथ साथ ईजी टू डाइजेस्ट के लिए एक कोई सा भी सप्लीमेंट आपको प्रोवाइड करना है उसको, ठीक है। तो इसके लिए ज़ाइमोपेड बहुत ही बेस्ट है, मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। तो आप ज़ाइमोपेड भी यूज़ करिए। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टिक्स पे। ये तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जैसे कि ये है फ्रीडम, ठीक है, एक स्प्रे आता है। ये अपने पपी को नहलाने के बाद ये फ्रीडम स्प्रे आप कर दीजिए, करने के पहले लेकिन आप अपने पपी का जो है मुंह मजल जो होता है उसका मुंह, उसको मजल से कवर अप कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये स्प्रे उसको चाट ना पाए। और आधा एक घंटा रखने के बाद फिर अपने पपी को अच्छा से नहला दीजिए। और इसके बाद हम लोग आ गए ये जो वीरवेक कंपनी का ये एपियोटिक, ठीक है, ये एक ईयर क्लिनजर है। देखिएगा लगभग कुछ कुछ दिन बाद से ही पपी अपना कान जो है खुजाने स्टार्ट कर देता है। तो इसका कारण है कान के अंदर जो है बहुत ज़्यादा गंदा जमा हो जाता है, कचड़ा जमा हो जाता है, इसके वजह से वो अपना कान जो है खुजाना स्टार्ट करता है और इसी से इन्फेक्शन भी होता है। कान के अंदर रैसेस हो जाता है, घाव हो जाता है और उसी से इंटरनल इन्फेक्शन जो है हो जाता है पपी को, तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है इसीलिए। और ये एपियोटिक जो है बहुत ही अच्छा क्लिनजर है, जस्ट आपको कुछ नहीं, ये एपियोटिक मतलब एक ड्रॉप है जो कि अपने पपी का ईयर में 4-5 बूंद डाल देने के बाद थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा, लगभग 10-15 मिनट छोड़ देने के बाद देखिएगा खुद से और अंदर का सारा जो कचरा है, सारा जो गंदा है ऊपर पूरा एकदम अच्छा से बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक हल्का कॉटन लेके उसको जस्ट हल्का से कान को पोंछ दीजिएगा, तो फिर उसका देखिए कान पूरा साफ हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे स्कैबोन, जो कि हिमालय कंपनी का है, ये भी पूरा पूरी आयुर्वेदिक है। आपका पपी का या फिर बड़ा डॉग हो तो कभी कहीं पर अगर कट जाए तो फिर कुछ भी घाव हो जाए तो उसको एंटी बैक्टीरियल मतलब वहाँ पर कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, इसी वजह से ये स्कैबोन स्प्रे किया जाता है। मैगोट वगैरह ये सब कीड़ा लगने का चांसेस ना हो तो इसीलिए ये स्कैबोन स्प्रे किया जाता है। पपी का कट जाने के बाद, घाव होने हो जाने के बाद उस जगह पे आप ये स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हिमालय का फ्रेश कोट। जब भी आप पपी खरीद के लेके आते हैं घर में, ठीक है, और उसके बाद आप उसको नहला मतलब एकदम छोटा उम्र में तो आपको नहलाना नहीं चाहिए, हाँ दो महीना बाद, 2-3 महीना बाद से आप उसको नहला सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप उसको क्लीन कैसे रखेंगे ये बहुत ही वाइटल चीज़ होता है कि उसमें से स्मेल आने लगता है, उसको क्लीन कैसे रखना है हमें। तो इसी के लिए ये हिमालय का आयुर्वेदिक जो फ्रेश कोट है, ठीक है, ये एक ड्राई शैम्पू है, ड्राई बाथ जिसको बोल सकते हैं, आप ड्राई शैम्पू भी बोल सकते हैं, ड्राई बाथ भी बोल सकते हैं, ये बहुत सारा कंपनी में अवेलेबल है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हिमालय का यूज़ करता हूँ, इसका फ्रेगनेंस भी बहुत ही अच्छा है और बहुत जल्दी पपी को साफ भी करता है। तो इसको जस्ट कुछ नहीं, ऐसे स्प्रे करना है, उसके बाद एक नॉर्मल कपड़ा लेना है और उसको अच्छे से पोंछ देना है, देखिए आपका पपी पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये एक शैम्पू जो टिक्स किल का शैम्पू है, मतलब टिक किल इसका नाम है, टिक किल शैम्पू। नॉर्मल शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं टिक किल शैम्पू ये यूज़ करता हूँ ताकि टिक्स वगैरह अगर थोड़ा बहुत भी कुछ हो उसके शरीर में तो नहलाने का टाइम जो है पूरा पूरी ख़त्म हो जाए। और इसके बाद टिक्स के लिए और एक चीज़ रीड, ठीक है, ये भी मतलब नहलाने के बाद जब हल्का हल्का आपका पपी का शरीर जो है कोट जो है हल्का हल्का वेट रहे, मतलब हल्का सा भींगा रहे उसका टाइम, इस टाइम ज़्यादा नहीं, जस्ट 2-3 ml पानी का साथ 4-5 बूंद इसको ऐड करना है, उसके बाद अच्छा से आपको पपी के ऊपर लगा देना है इस टिक किल्स को, उसके बाद अच्छा से फिर से एक बार नहला देंगे तो बहुत दिन तक आपको पपी का शरीर में टिक्स नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है,
ठीक है, और अगर आप पपी लेके आ रहे हैं तो एक बार प्लीज़ अपने नियरेस्ट वेटनरी से आप कंसल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ये सारा सामान खरीदिएगा। अगर आपको नज़दीकी पेट स्टोर में नहीं मिलता या फिर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता तो आप नीचे दिए गए स्क्रीन पे इस नंबर पे कॉल करके मेरे शॉप से ये ऑर्डर कर सकते हैं। बाई कुरियर के थ्रू आपके पास ये सारा सामान अवेलेबल हो जाएगा। और मेरे शॉप पर जो है डॉग्स और बर्ड्स के लिए सारा का सारा वैरायटी चीज़ अवेलेबल है, कुछ भी आपको ज़रूरत हो सारा मेरे शॉप पर मिल जाएगा आपके लिए। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट मोबाइल कंप्यूटर तक मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।